भाई आप ये बताओ, जैसे कि किस किस जमीन में, किस प्रकार की जमीन में इसको अच्छे से चला सकते हैं? और ये घूमती भी है क्या ये? घूमती है। अच्छा ये इधर है। अच्छा अच्छा ये दिखा देता हूँ भाई एक बार। वीडियो देखने वाले सभी किसान साथियों को मेरी राम राम। किसान साथियों, आपको जो वीडियो में दिखाई दे रहा है उसके बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता, लेकिन जिस भाई का ये है उनसे पता लगाएंगे क्या है और किस प्रकार से काम करता है और कैसे चलता है। तो एक बार भाई इधर आ जाओ, आप एक बार फ्रेम में आ जाओ, थोड़ा ऊंचा बोलियो भाई। राम राम भाई। राम राम भाई। भाई सबसे पहले अपना नाम पता, एड्रेस बता दो। भाई मेरा नाम मनोज कुमार। अच्छा ऊंचा बोलो भाई थोड़ा। है गाँव बोचड़िया, जिला महेंद्रगढ़। जी जी भाई, आपके पास ये मशीन है, इम्प्लीमेंट है, इसको क्या बोलते हैं? इसको डिश प्लाऊ बोलते हैं भैया। डिश प्लाऊ। अच्छा अच्छा, ये आपने कहाँ से लिया, कितने में लिया? ये लाडनू से लिया भैया। लाडनू कहाँ पे पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में। अच्छा अच्छा, कितने रुपए का है ये? 62,000 रुपए का है। अच्छा अच्छा, इसको चलाने के लिए कम से कम कितने एचपी ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है? 55 प्लस सी, उसे छोटा मुश्किल चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। जी जी जी, एक बार इसकी आप ये बता दिए किस तरह से काम करता है। जैसे कि ये है, ये क्या करता है इसमें? ये बैलेंस डाटता है भैया। बैलेंस डाटने का काम आता है। और ये घूमती भी है क्या ये? घूमती है। अच्छा ये इधर है। अच्छा अच्छा, ये दिखा देता हूँ भाई एक बार, दिखा देता हूँ एक बार किस तरह से है ये। अच्छा अच्छा, ऐसे ऐसे रोटेट होती है ये, उस साइड से आएगा तो इस साइड हो जाएगी। जी 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 जी, ये देखो भाई, इसको हम चला के दिखाएंगे किस तरह से ये चलती है। इससे जैसे कि क्या फायदा है? ये जमीन को उल्टा कर देती, पलट देती है। जी 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 जी, चलो भाई आप एक बार चलाओ इसको। भाई ने बताया क्या है ये, इसको वो बोलते हैं ना, नहीं नहीं वो आम भाषा में क्या बोलते हैं इसको? तई। तई बोलते हैं, तई बोल देते हैं इसको। ये देखो भाई, पावर ट्रक यूरो 55 है भैया आगे जो इसको चला रहा है। और बरसात आई थी और जो नीचे की जो लाल जमीन होती है ना वो निकाल रखी, आप देख सकते हो भाई लाल जमीन निकाल दी है इसने। घुमा लो एक भाई, इतना ही घुमा लो। जब ये घूमती है तो किस प्रकार से काम करती है वो दिखाएंगे भाई। देखो ये ऐसे घूमती है, ये अपने आप काम करने लग जाती है, देख सकते हो। ये अब ऑटोमेटिक इधर आएगी भाई, ऑटोमेटिक इधर ही आ जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नहीं है कि अब ये उर्ली तरफ लगेगी? अच्छा अच्छा, परली साइड घूम जाएगी। जैसे ही भाई, जैसे कि आपको दिखाऊं भाई, जैसे कि ये इसने यहाँ से फाट लिए है कि यहाँ से, तो जब ट्रैक्टर का टायर खड्डे में आएगा तो घूम जाएगी, और उधर का ये आएगा तब घूम जाएगी। अच्छा अच्छा, लो भाई चलाओ चलाओ। ये देखो भाई, ये तिरछी काम करती है। पूरे बैठ गए अंदर, देख लो भाई। भाई आप ये बताओ, जैसे कि किस किस जमीन में, किस प्रकार की जमीन में इसको अच्छे से चला सकते हैं? इसको थोड़ी टाइट जमीन में अच्छी तरह से चला सकते हैं। अच्छा, नरम में भी काम करती है? वैसे नरम में भी काम करती है, पर हल्का थोड़ा कम करती है, ट्रैक्टर स्लिप लेता है। जी 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 जी, थोड़ी टाइट जमीन होगी उतना ही गहरा जाएगा, उतना गहरा जाएगा टाइट जमीन में। जिस तरह कठोर मिट्टी होती है जहाँ पे, उसमें अच्छी तरह से काम करती है। वैसे फायदा ये है कि भाई इससे जमीन की जो निचली जमीन है, इसने लाल जमीन निकाल दी नीचे से। ये देखो भाई कितनी गहराई लेकर चल रही है भी, आपको पता हो? आपके हिसाब से होगी 1.25 फुट के करीब। 1.25 फुट के करीब गहराई लेती है। जी जी, तो भाई ये कुछ अलग से इम्प्लीमेंट लगा था, तो मैंने सोचा कि भाई मेरे को दिखाई दिया है तो क्यों ना मेरे जो जितनी फैमिली है उसको भी दिखाई दे। तो ये छोटी सी जानकारी थी, अच्छी तो लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।